अध्यापक साहबान अते मेरे प्यारे विद्यार्थी साथियों, आओ सब तो पहला गुरु फतेह दी सांझ फतेह नाल साझी करिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं जैसमीन कौर बिपिन रावत हाउस के विद्यार्थन अज जो लैक्चर तुहाडे सामने पेश कर जा रही हाँ, उसका विषय है दस्तार की महानता। की हो गया सिखा दे बच्चिया नू दस्तारा छड के टोपिया पाई फिरदे, तुरे जांदे निरे लंगूर लगदे, इदा जापदा जिवें शुदाई फिरदे। सीस दे के सरदारियां असां लईआं पापंग दे लुटाई फिरदे, दस्तारा बदले तां सिरां दे मुल पै गए, इदा सिरां तों दस्तारा लुहाई फिरदे, इदा सिरां तों दस्तारा लुहाई फिरदे। सिख धर्म विच दस्तार दी बहुत महानता है। बड़ियां कुर्बानियां दे के अते अपना सारा सरबंस वार के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने अपने खालसे नू जो दस्तार अते सिखी दा ताज प्रदान करके उसनू असीसां अते बरकतां नाल निवाजिया सी, अज ओही दस्तार खतरे विच पै गई है। सिखी दे शान दे सूचक इह दस्तार बड़ी तेजी नाल अलोप हो रही है। दस्तारा दी वधदी संख्या सब पासे सिखां दी सरदारी दा अहसास जगाउंदी सी। कवि हरि सिंह जाजक इस स्थिति नूं यूं बयान करदे हन, दसम पिता ने बख्शी दस्तार जिहड़ी, साडी सिखी दा ताज इह खालसा जी। लहू भिज्जे इतिहास तों पता लगदा है साडी सिखी दा राज इह खालसा जी। साडी आन इत्तां साडी शान इहो, साडी पंथक आवाज इह खालसा जी। लखां विचों पछाणिया जाए कला, वड्डी शान दस्तार है खालसा जी। किन्नी हैरानगी दी गल है कि जिस दस्तार नूं अज सिख नौजवान तिलांजलि दे रहा है, उस दस्तार नूं सतिकार अते गौरव नाल सीस ते सजाउण लई साडे गुरु साहिबाना अते पुरातन ते नवीन गुरसिखां ने बहुत कुर्बानियां दित्तियां अते संघर्ष विच लंघे। जद गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने 1699 दी विसाखी ते खालसा साजिया तां हदायत कीती कि सिख अपने केसां दी संभाल लई दस्तार जरूर सजावे। इसे करके दस्तार साडा इक धार्मिक चिन्ह भी है। इस चिन्ह नूं सतिकारी भावना नाल कायम रखण लई सिखां ने बहुत कठिनाइयां दा सामना कीता, पर उहनां ने दस्तार नूं आंच नहीं आउण दित्ती। इस स्थिति नूं यूं बयान कीता है, अनखी रूप दस्तार दा वेखना जे, सिंह चरखड़ियां दे उत्ते चढ़े देखो, बंद बंद पावे कटे जा रहे ने, मुखो शब्द गुरबाणी दे बड़े वेखो। केसा सुआसा संग सिखी निभाउण वेले, तारू सिंह नूं चाय अज चरे देखो, सिख होण पर दूणे दर लगे लगे लंबी कतार विच खड़े वेखो। गुरु जी का हुक्म है कि जद एक सिख ने दस्तार खोलनी अते दूजी बार बननी होवे तां उसनूं मुड़ सिरे तों खोल के बनना चाहीदा है। टोपी वांगणा उसे तरह सिर ते नहीं रख लैणी चाहीदी। इस तरह बनना रीति अते दस्तार दा अपमान है, क्योंकि दस्तार कोई टोपी जां हैट नहीं, इह तां सिखी जलवे दे प्रतख रूप हन, जिस दे पहले लाड़ विचों दया, दूसरे विचों नेकी, तीसरे विचों ईमानदारी, अगले विचों फराख दिली अते अखीरले विचों सरबत दे भले दे लिशकारे पैंदे हन। जद दस्तार पूरी तरह सज जांदी है तां उस विचों धर्म, शर्म अते शबकरण ते समाजिक तेज प्रताप ठाठा मार लग पैंदे हन। दस्तार दा साडे सभ्याचार विच वी बहुत दखल है। इस दी महत्ता आप प्रचलित मुहावरे तों ही हो जांदी है। जद मापे अपने बच्चियां नूं कहिंदे हन, मेरी पग दी लाज रख लई, मेरी पग ना लैण दई, इस तों पता लगदा है कि पग दा साडे समाज विच किन्ना महत्वपूर्ण योगदान है। इस स्थिति नूं यूं बयान कीता है, इह दस्तार नहीं गुरु दा प्यार जानी, तोहफा गुरु दा नाले इक रार जानी, इस नूं सिखी दी डूंगी खान जानी, इस नूं सिखी दा सारा संसार जानी। इस सिलसिले विच इस्त्री वर्ग दा वी बहुत महत्वपूर्ण योगदान पै सकदा है। जेकर ओह आप ही फैशन दी आड़ विच आके
अपने बच्चियां दे केस कतल करवा दवे ता ओह सिक्खी स्वरूप विच रह के भी वजीर खां मीर मनु अते बहादुर शाह तो कट नहीं ऐसे लिए चाहिदा है दे लुक लाइक अ सिख एंड शुड लिव लाइक अ सिख भाव ओ सिख लगन अते सिक्खी मर्यादा अनुसार अपना जीवन टालन अंत विच असीं यही कह सकते हां कि जेकर ओह आप ही अपने बच्चियां अते नौजवानां विच ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੜਾ ਭੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਲਗੀ ਧਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਸੋਹਣੇ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖੀ ਬੋਲਦੀ ਇਸੇ ਦਸਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸੋਹਣੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆਪ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਚਮਕਦੀ ਏ ਤੇਰੀ ਨੁਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਬੋਲਦੀ ਤੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਬੋਲਦੀ ਏ ਤੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।